अब की बार तो हमने चुरू जिले की 6 सीटें हैं हमने तय किया है। समाज आज तक कांग्रेस के साथ रहा है और कांग्रेस के साथ अफसोस इस बात का है जो इस समाज को महत्व मिलना चाहिए वो उतना महत्व नहीं मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज के इस सम्मान समारोह के अध्यक्षता कर रहे हमारे सरपरस्त आजी रमजान रहीम बख्श कासम वाला जी और आपके लाडले सरदार शेर के विधायक भाई अनिल शर्मा जी और मेरे वालिद साहब पूर्व विधायक चूरू आजी मकबूल मंडेलिया जी और हमारे बड़े भाई चूरू के सभापति राजकरण चौधरी साहब, सरदार शेर के राजकरण जी, क्या अरे चूरू भी जांच का है कोई भरोसा बन रहा है और हमारे चूरू सभापति प्रतिनिधि नारायण बालन जी, रतनगढ़ सभापति प्रतिनिधि हेमंत सारसू जी और हमारे साथ चल रहे सभी हमारे पार्षदगण, सरदार शेर के सभी पार्षदगण और मंच पे विराजमान मुझे दुआ देने वाले और मेरे सरपरस्त सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, जहां तक मेरी आवाज आ रही है मेरी माताओं, मेरी बहनों, आज बड़ा है खुशी हो रही है कि सरदार शहर में हमारा इतना बड़ा सम्मान हुआ, सत्कार हुआ, उसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। देखो बाकी बातें तो सर सुना दी, आजी साहब पुराण की बात सुना दी और अनिल जी थाना अड्डा विकास की बात सुना दी, मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। मुद्दे की बात है, कितना महीना बाद है? 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है, उसके अंदर हमने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा और 1800 वोट से हम चुनाव हार गए। तकदीर में नहीं लिखा था, हम किसी को दोष नहीं देते। आप सबने बहुत दुआएं की, हमें मदद भी की और उसका नतीजा आया कि हम थोड़े से वोटों से रह गए। अब वह भी समय आ गया है, कल से ही हमें हमारे रिश्तेदारों से बात करनी है, हमारे पहचान वालों से बात करनी है कि अगला वोट कांग्रेस पार्टी को दे और कांग्रेस पार्टी के साथ रहे। अनिल जी मैं धन्यवाद बताऊं, माइनॉरिटी समाज आज तक कांग्रेस के साथ रहा है और कांग्रेस के साथ रहेगा, ये हमारे सरदार शेर की बात नहीं है, ये पूरे राजस्थान की बात है और राजस्थान के अंदर माइनॉरिटी समाज कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ रहेगी। अफसोस इस बात का है जो इस समाज को महत्व मिलना चाहिए वो उतना महत्व नहीं मिलता है। देखो चुनावी टाइम है, बोलने को बहुत कुछ है, हमारे नेताओं से मेरी अपील है कि महीने की समाज 99.99 वोट कांग्रेस पार्टी को करता है,
और उनका हक बनता है, वो हक में कमी नहीं रहनी चाहिए। मिलेगी हक, मिलेगा, वक्त आने पर जरूर मिलेगा, लेकिन समय लगेगा। जैसे हाजी साहब ने कहा ना कि तीन बातें बाबा साहेब अम्बेडकर ने लास्ट स्पीच में कहा था, वो कमियां दूर हो रही है, समझ आ रही है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और उसका फायदा भी आपको मिलेगा। जब शिक्षा में आगे बढ़ जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, और संघर्ष करना सीख जाओगे तो उससे भी ज्यादा फायदा मिलेगा। आज हमें यह लग रहा है कि माइनॉरिटी के समाज के लोग संगठित हो रहे हैं और संगठित हैं, शिक्षा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आप सबको एक बात कहना चाहूंगा कि जब हम चुनाव लड़ते हैं, देखो लोकसभा चुनाव में क्या आ रहे हो, दूसरा निर्दोष को नहीं है, आपने समाज नहीं दोष है, लोग सुनते रह गया और 37% बोली करी, आपका चुनाव हो गया। इस वास्ते जागरूक रहना होगा, जागरूकता से काम करना होगा, जहां हमारा उम्मीदवार लड़ता है उसकी मदद करनी होगी। अब की बात तो हमने चूरू जिले की 6 सीटें हैं, हमने तय किया है जो भी हम 6 कैंडिडेट उम्मीदवार बनेंगे सब एक दूसरे की मदद करेंगे और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मैं बात थोड़ा दिन पहले एक भाषण दिया रतनगढ़ के, भाई मैं कल सुजानगढ़ से आया पड़ा रतनगढ़, रतनगढ़ से चाहे 87 आ जाओ तो चूरू चल जाओ, चूरू से चल जाओ रतन अपने तारानगर, तारानगर ने दौड़ दो राजगढ़, तो 6 मिल सी ना तो 1 भी सीट को नहीं आ रहा, गारंटी है। लेकिन सन एक दूसरे की मदद करनी पड़ती, सही करे कौन कह रहे हो, सही बात है कौन ही, तो अपार सह की मदद कर सी तो अपनी भी सब मदद कर सी, अपना विश्वास है। भाई अनिल जी तो देखो अपने सागे बहुत ही हमारा दोस्त तो सम्मान करे है, किसी की कोई लिमिट को नहीं, और आपके लाडले हैं और पंडित जी के साथ आपने बहुत समय बिताया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो अनिल जी एक ही बात कहूंगा कि ये समाज पहले भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है। अपने को देखो थोड़ा बहुत एक दो है उछल कूद कर लिया तो मैंने टेंशन लेने की जरूरत को नहीं, सर समाज में हुए ये हमारा आशी बहना बहुत फड़फड़ाने लग गया कई बार, तो ये अब ओके फड़फड़ा हो तो पर बेरो बनी इन्हें कि नाम हरे मंडे का और भीगे पान कूदे है, तो मैं ही वास्ते इनके उनको फड़फड़ाने बंद कर। कांग्रेस पार्टी के संबंध के ऊपर हम साथ रहेंगे, चाहे कोई भी आए, हम कांग्रेस के विरुद्ध काम नहीं कर सकते और कांग्रेस के साथ रहेंगे, कांग्रेस के साथ थे। अब आशित क्या है, थोड़ा भावुक आदमी है, मैंने अनिल जी कहो आशित भैया क्या कह रहे हैं, मेरे को खटी बन जाओ फर्क नहीं है, रही चेयरमैन साहब की बात, छोटी मोटी बात होती रहे भाई, देखो थे भाई कितना रह गया हूं, और चौधरी साहब को धनसन आशीर्वाद है, मैं तो थारा विनती करा काल आदमी आज रुक, देखो मिलके संगठित रह के काम करेंगे और चुनाव लड़ेंगे तो उसका नतीजा एक अलग होता है। मैं भी गई है देखो चूरू का माई 10-12 टिकट मांगने लाग रहे हैं, 10-12 जना टिकट मांगे और मांगने को हाके और मांगनी भी चाहिए, क्या बुराई है, मैं तो बार चला के कह रहा हूं भाई जिकर मांगनी है जिको मांगो, पर जीका जी ने टिकट मिल जाओ ना तो सगड़ा एक हो जाए और बारे मनाने की झूठ नहीं पड़नी चाहिए। हाई कमान वो फैसला करके भेज देगा
कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार चूरू विधानसभा से, इसका नाम हमने तय किया है, जिसका भी नाम तय हो उसके पास सब चले जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें 10 दिन मनाने में लगते हैं। मार चूरू बोलो लोड़े तारे तो क्यों बोली चूरू में एक को उतरा दे रहे, दिखना दे रहे, इन है रे इन है, दस एक निकल जा। जब अपना ऑब्जर्वर आएगा आज मैं कह साहब थे एक काम कर दो, कांग्रेस पार्टी और कह रहा है कि मैं ठीक ठाक कर जल्दी घोषणा कर जा, मैं अनिल जारी रहा एमएलए की तो बाद में करो जी का हरीड़ा ना बाकी सब पहली करो क्यों मैंने मनाने में भी तो टाइम लगे है को लगेगी। अब जी का टिकट नहीं मिल रहा वो कड़क होकर बैठ जा। इस वास्ते आपको एक बात बताना चाहता हूं, कांग्रेस का राज रिपीट होगा इसमें कोई संकोच नहीं है। ये तय है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं राजस्थान के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री कभी आएगा नहीं ना मिलेगा। आज लोगों की भावना है कि हम कांग्रेस पार्टी का राज वापिस लाए, लोग समझ गए भारतीय जनता पार्टी को। देखो झूठ का एक दिन अंत आता है और वो आ गया है, इसलिए हमें इधर उधर कहीं नहीं जाना है। जो कांग्रेस पार्टी की टिकट लेके आएंगे हम उनके साथ रहेंगे, बाकी कोई चाहे कोई सी टिकट लिया हमारे कोई काम की बनी। सही है ना बात, हाथ के पंजे के साथ है हम। कोई कांग्रेस पार्टी का हाथ का पंजा है जो हाईकमान टीम को यहां भेजेंगे हम उनके साथ हैं। आप लोगों ने हमारा इतना सम्मान किया, इतना गर्मजोशी से जो सम्मान किया और हाजी साहब ने ये प्रोग्राम रखा उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद जय कांग्रेस। आपने हमारे हाजी मकबूल साहब, हमारे एमएलए पंडित अनिल बंगला जी साहब और भाई रफीक भी मंडेलिया के द्वारा जो शानदार भाषण आपने सुना, अपनी बात पर अमल करना है। अदालत में भाई संदीप जानी एक राजस्थानी गीत प्रस्तुत करेगा और सुनकर